कई सालों पहले सब्जियों का और फलों का जिस तरीके का टेस्ट हुआ करता था, आज वो नहीं है। साथ साथ आज के टाइम के अंदर आप और मैं क्या खा रहे हैं ये चीज हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही मैं इस बारे में बात करूंगा कि आजकल फसलों को सब्जियों को किस तरीके से उगाया जाता है, उनके अंदर किन किन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा यार। ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि विश्व की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाना पैदा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका हल निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ये मेरे बस की भी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं तो क्या हुआ, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती। जी हाँ गाइस, ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी खेती जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ देसी तरीकों से ही सब्जियों और फलों को उगाने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं कि उनके अंदर हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या फिर जो सब्जियां होती है वो किस तरीके की पैदा होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस काम के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है खाद। जी हाँ गाइस, गोबरिया खाद। हाँ, गोबरिया खाद बोलना जरूरी है। छाली की मींगणियां बोल दो, पोईटे बोल दो। तो तुम रुके क्यों यार, ट्रैक्टर लेके आओ। ऑलराइट गाइस, तो यार आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार इस छोटी सी कोशिश के लिए, क्योंकि आजकल इन सब बातों पे कौन ध्यान देता है भाई। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि भाई कम कमाओ लेकिन कम से कम अच्छा खाओ। खाद, और ये रहे नन्हे नन्हे से। तो गाइस इनकी ये मींगड़ियां बिल्कुल देसी खाद है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। आ जाओ ये देखो, लाओ लाओ सारे, उजाला उजाला बेटी उजाला, बोल बोल मैं। अरे शिप कैसे बोलती है शिप? अरे भेड़। अरे बोल बोल इनको, बोल हाय हाय, बोलो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर। भाई लोगों ये भी है ना, बिल्कुल खेत में ही हमारे ऐसे उगी हुई है। तो ये पपीता है देसी। वाह क्या स्वाद है भाई। जवानों तैयार तैयार, बोलो जय माता की जय माता की। ब्रो ब्रो ट्रॉली ब्रो, जल्दी जल्दी जल्दी। Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. भाई गाइस यार एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो खाद है इसे हम रोड़ी बोलते हैं, और इसकी एक कमाल की बात ये होती है कि अंदर जैसे जैसे खाद को हटाते जा रहे हैं अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। गाइस ये देखो, इतनी ज्यादा गर्मी है कि ऊपर की लेयर हटाते अंदर से भाप निकल रही है। खैर हमारे लिए तो ये रोज की बात है, हम तो ये सब चीजें देखते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा अंदर जैसे जैसे खोदते हैं देखो धुआं निकल रहा है। मैं हाथ में नहीं डाल रहा, बहुत ज्यादा गर्म है। थर्मल कैमरा नहीं लाया वरना आपको दिखाता मैं। देखो थोड़ा सा खोदता हूं और फिर देखना धुआं निकलेगा, देखना ये देखो। तो गाइस यार फाइनली हमारी जो ट्रॉली है वो खाद से भर चुकी है। अरे चलो चलो खेत पे चलते हैं, चलो जल्दी चलो, और हम चलते हैं खेत पर, खेत पे खाद बिखेरते हैं। आ जाओ चलो। Baby,
मतलब उगा हुआ है, और इस खेत को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसके अंदर कम से कम आज तक, देखो यार मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि कभी भी इसमें यूरिया या फिर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर कम से कम इस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और इसे हमने काफ़ी टाइम से खाली रखा है ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ घास वगैरह इसके अंदर उग गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले खाद बिखेरते हैं, खाद बिखेरने के बाद इसके अंदर रोटर चलाएंगे। आ जाओ, खाद तो हमने फाइनली बिखेर दिया है, लेकिन खाद के साथ साथ के अंदर कुछ प्लास्टिक भी आ गई थी, और साथ साथ खेत के अंदर पहले से भी थोड़ी बहुत प्लास्टिक और साथ साथ कुछ पत्थर भी हैं। तो पहले प्लास्टिक को भी हटाते हैं और पत्थरों को भी हटाते हैं। तैयार हो? तैयार। खेत की सफाई हमने कर दी है, इसके अंदर हमने खाद भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रैक्टर की मदद से हम जो है इस खाद को मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ले आया चाय आगे। तो देखो खेत साफ हो गया है, खाद हमने डाल दिया है, अभी ये फाइनल नहीं है, ये अभी तो एक बारी खाद डाला है, उसके बाद में अपन चारा डोली डालेंगे, मतलब क्यारियां बनाएंगे, उसके बाद में खाद और डालेंगे। थोड़ा सा वेट करते, चाय वाय पीते, ट्रैक्टर लाने गया, मोटा अभी तक आया नहीं यार, उसका इंतजार हो रहा है। तो गाइस यार ये जो है वो रोटर है, इससे क्या होगा, मिट्टी और खाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, जिससे हमारी जो फसल है वो बढ़िया उगेगी। तो चला फटाफट से रोटर को। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मिट्टी और खाद जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, और अब सब्जी जो हम बोएंगे ना भाई, टमाटर मूली गाजर जो भी बोएंगे वो अच्छे से उगेगी और मस्त वाली सब्जी लगेगी, और खाने में भी मजा आएगा क्योंकि ऑर्गेनिक होगी। यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाद है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, और आज का काम भी यहीं पे खत्म होता है। अगला जो काम है वो है इसके अंदर क्यारियां बनाना, और उसके अंदर बीज छाटना और पानी पिलाना, लेकिन वो आज नहीं होगा क्योंकि वहा नहीं आई है। क्या हिंदी में कैसे बोलते हैं यार, मतलब कि अभी परफेक्ट वो नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी गीली है, इसकी हवा लगेगी, थोड़ी सी सूखेगी, उसके बाद के अंदर ये अपन नेक्स्ट काम करेंगे। तो आज तो बस यार, आज तो अच्छा काम गया लोंडो, फिर दाल बाटी हो जाए। चलो फिर दाल बाटी बनाते हैं, कल आते हैं फिर से, कल जल्दी आना पड़ेगा अपने ना, क्योंकि कल बहुत काम है भाई, बहुत काम है। चलो गुड मॉर्निंग। तो गाइस यार आज ये नया दिन, फिर से जा रहे हैं खेत के ऊपर, और आज पूरा दिन लगने वाला, क्योंकि आज हम बीज की बुआई करेंगे, तो खाना भी वहीं करेंगे, पीना भी वहीं करेंगे, सारा काम वहीं पे होगा, इसीलिए हमने बहुत सारा सामान ले लिया है। लौंडो चलो।
चलो चलो अब काम करते गाइस, बचपना नहीं गया, बहुत सारे बोर मिल गए मेरे को। यही होता था बचपन का फल। चलो अभी चलो, उसके पास ज्यादा है, मोटे के पास ज्यादा है। चलो सिर्फ आज आज का टाइम है, आज आज के अंदर अपने को इसके अंदर चारी डोली बनानी है, और साथ ही साथ सिर्फ आज ही अपन इसे शूट कर सकते हैं। कल का मुझे पता नहीं, कल खेत इसके लिए सही नहीं रहेगा। ओके तैयार हो? तैयार। जय माता के। गाइस तो फाइनली हमने खेत के अंदर चारा डोली का काम कर लिया है, और अब जो है खाना खाते हैं। भाई भूख लग गई है, जा बोलवीर, जा तू खाना बना, निकल। अब बाकी है इसके अंदर बीज बुआई, तो अभी करें या बाद में करें या साथ में कर लेते हैं? यार साथ में कर लेते हैं ना, पहले कर लेते हैं उसके बाद में खा लेंगे। तो गाइस उगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर काफी सारी सब्जियां है, पालक है, टमाटर है, मूली है, धनिया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो अपन इन्हें पानी पिलाएंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, लगभग 6 महीनों तक सारी चीजें चलने वाली है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि ना तो पानी ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो हमारी जो ये जो फसलें हैं सारी गल जाएगी, अगर कम हुआ तो वो पानी की कमी से सूख जाएगी। इसीलिए हमने अलग अलग तरीके से ये चारा डोली बनाए हैं, अलग अलग तरीके से क्यारियां बनाई हैं, ताकि सभी को अलग अलग तरीके से अच्छे से पानी वगैरह मिल सके। पूरी तरीके से देसी चीजों का इस्तेमाल होगा, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो पहली जो हमारे पास चीज है वो है पालक। गाइस ये देखो, ये है पालक के बीज। आप जो पालक खाते हो जिसके अंदर आयरन होता है, गाइस ये बीज इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के। तो सबसे पहले पालक को निपटाते हैं, आई मीन पालक की बुआई करते हैं। चले जा गाइस, दूसरी चीज हमारे पास है मेथी। अब मेथी के अंदर दो सीन होते हैं, वैसे तो आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। मेथी के अंदर होता है मेल और फीमेल, ठीक है? तो फीमेल को हम मेथी बोलते हैं, और जो मेल होता है उसे मेथा बोलते हैं। तो हम गाइस ये मेथे की जो बुआई है वो करेंगे, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो थोड़े होते हैं और थोड़े से दिखने में अच्छे होते हैं, स्वाद भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। ले चमन सारा भाई, चमन आज मेथा उगा देगा। जा उगा दे। तो गाइज यार प्याज के बीज देखे कभी? गाइज ये है प्याज, इसे हमारे यहाँ पे कणी बोला जाता है। तो पहले ये छोटे प्याज बनेंगे, उसके बाद में बड़े प्याज बनेंगे। कितना टाइम लगता है प्याज को बड़ा होने में? दो महीने के आसपास। गाइज यार मैं आपको टाइम लिमिट बता देता हूँ, जो मेथी है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जो पालक है वो लगभग 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा, और ये 2 महीने के अंदर। जा प्याज उगा दे चमन के साथ। चमन आ रहा हूँ मैं भी, जल्दी जा। مرا زلفان چنگ چنگی تو جان کشت، مرا زلفان
इस पालक मेथी और प्याज का बीज हमने छाड़ दिया है, लेकिन अब हमें इसे गुरबना होगा। गुरबना इन द सेंस मिट्टी के अंदर मिक्स करना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो बीज है वो ज्यादा अंदर ना जाए मिट्टी के। अगर ज्यादा अंदर चला गया तो वो फूट के बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब कि उसके जो कोमल वो कलियां होती है ना, कलियां बोलेंगे, कलियां होती है ना, वो दबके रह जाएगी और रुकेगा नहीं। और अगर ज्यादा ऊपर रहा तो चींटियां और चिड़ियां उन्हें चुग के ले जाएगी। इसीलिए हम पंजों की सहायता से उन्हें गुरब देंगे। दो तरीके, या तो पंजों से लगो 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 तुम तो लगो, या फिर हाथ से। हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं अपन। जनरली हाथ से करना ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन जब ज्यादा काम हो तब हाथ से करना सही नहीं रहता है। अपन पंजे की सहायता भी ले सकते हैं। तो तीनों चीजों को हमें इस तरीके से करना होगा। अलग अलग सब्जियों को बोने का, अलग अलग सब्जियों को उगाने का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन इन तीनों को अपन इस तरीके से ही करेंगे। यार ये है धनिया। वैसे जो धनिया होता है ना, उसका जो बीज निकलता है, पौधा बड़ा आ जाता है और उससे बीज निकालते हैं, तब वो साबुत फॉर्म में आता है, मतलब एक गोल गोल टाइप का। लेकिन उसे बीच में से क्रश करके तोड़ के आधे आधे हिस्सों में बांट लिया जाता है और फिर इसे उगाए जाते हैं। यानी कि अगर 10 बीज है तो 10 के बीच 20 कर लिया जाता है और फिर उगाए जाते हैं। उगाने का तरीका वही सिंपल सा है, इसे भी छाड़ देते हैं इस तरीके से और फिर मिट्टी के अंदर गुरब देंगे। पास है मूली, शलगम एंड चकुंदर। तो गाइस यार ये देखो, राई की तरह बीज है ना, ये देखो, ये इतने से बीज बहुत सारे हैं गाइस। क्या है ये बताओ? शलगम। हाँ ये गाइस, ये शलगम है और ये मेरे पास मूली है। मूली का बीज कुछ इस तरीके का होता है और ये चकुंदर। चकुंदर गाइस देखो, चकुंदर का बीज कुछ इस तरीके का होता है यार, ये देखो। आ जाओ, और इन्हें लगाने का एक तरीका है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर धनिया है, इसके अंदर मेथी है और उसके अंदर पालक और ये प्याज है। तो ये जो मूली वगैरह जो चीजें होती है ना इस टाइप की, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं। देखो इस तरीके से पकड़ा जाता है और फिर इसे जो दीवार है ना इसके ऊपर इस तरीके से डाला जाता है। हाथ के अंदर इस तरीके से डाला, बीज को छोड़ा और दबा दिया, और इसी तरीके से इधर डाला छोड़ दिया। इसी तरीके से करते करते हम चकुंदर, शलगम और मूली को लगाएंगे। लगो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। गाइस अब बारी आती है टमाटर की। तो गाइस यार आप देख सकते हैं, ये रहा टमाटर का बीज। और वैसे जनरली टमाटर को उगाने के लिए अगर बड़े लेवल पर उगाना होता है तो पता है लोग क्या करते हैं, एक इतना बड़ा क्यारा लेते हैं, चारा लेते हैं और उसके अंदर पूरे के अंदर ही टमाटर लगा देते हैं। और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो उग जाते हैं फिर उन पेड़ों को उठा के वहां से उखाड़ के अलग अलग जगह पे, वहां पे जिस तरीके से उनको लगाना होता है उस तरीके से लगा लेते हैं। लेकिन हमें तो यार सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि हम बिना दवाई डाले अगर उगाए तो कैसे उगते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये ले पकड़, इसको सीधा ही लगा रहे हैं, जहाँ पे हमें उगाना है वहाँ पे सीधा ही लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ काम होगा, एक एक बीज को हमें जमीन के अंदर डालना होगा। गाइज ये है मिर्ची का बीज और अब हम लगा रहे हैं मिर्ची। इसे भी टमाटर की तरह ही लगाया जा सकता है, मतलब क्यारी बना के, लेकिन हम इसे भी चोबेंगे एक एक हाथ से ताकि अपने हिसाब से अपन लगा पाए। लो गाइज बहुत टफ काम है, एक एक इतने छोटे छोटे बीजों को लगाना। लो 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 और पकड़ो। हाँ क्या कह रहा था, दिस इज बैंगन। गाइस ये बैंगन का बीज, कुछ के अंदर हमने टमाटर लगा दिया, कुछ के अंदर मिर्ची लगा दी और कुछ के अंदर बैंगन लगा देते हैं। पूरी सब्जी का खजाना होना चाहिए। इसे भी वैसे ही लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ी लगानी है, ज्यादा लगानी है तो दिक्कत नहीं आती, थोड़ी लगाने में परेशानी आती है। तो ये है सुसाड़ी काकड़ी जो छार में मिक्स की हुई है। अरे मैं जहाँ तू लगा बाबा। सुसाड़ी काकड़ी इन द सेंस वो जो नहीं होती ग्रीन ग्रीन कलर की ककड़ी होती है, जो पतली पतली सी लंबी सांप की तरह होती है वो वाली। देखो जनरली जो वैसे बीज होते हैं उनको केमिकल्स के अंदर मिलाया जाता है ताकि उन्हें कीड़े वगैरह ना लगे। तो देसी तरीकों के अंदर हम जो छार होती है ना, यानी कि राख होती है लकड़ी वगैरह की, उनके अंदर मिक्स कर देते और फिर लगाते। लगाओ लगाओ तुम भी लगाओ, इसके अंदर ककड़ी आएगी, अगली वाली के अंदर भी ककड़ी आएगी और उसके अंदर दूसरी वाली लगाएंगे। लगाओ। तो गाइस यार मेरे पास है देसी तरबूज के बीज, तो चलो यार इस वाले तरबूज को जो हमें इसमें लगाएंगे।
इस वाली चारी के अंदर तरबूज ही तरबूज हो जाएंगे भाई। तो भाई लोगों मेरे पास है करेले के बीज। तो गाइस यार ये है खरबूजे के बीज, ये देखो ऐसे। ये हमारे पास मटर है देसी। अच्छा इस तरह के होते हैं। ठीक है अब इनको चोपते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा। ए बड़की बैठी है तो ताई काकी। कौन बड़े बड़की कोई लोग कर दियो ये तो ये लग गया। उठाइए अपनी अपनी बैठी उठाइए जल्दी फटाफट। तो गाइस यार हमने लगभग सारा काम कर दिया है, खेत को हका दिया, खाद डाल के खाद को मिक्स कर दिया, चारा डोली डाल दी, सारे बीज भी लगा दिए, अब बस बचा है पानी पिलाना। लेकिन हमारी किस्मत खराब है, लाइट्स नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 3 बजे लाइट चली जाती है और सुबह 6 बजे आती है। तो सुबह 6 बजे या 7 बजे के आसपास जल्दी आके फिर उसे पानी पिलाना। वैसे जनरली बीज आप बोते ही उसको पानी पिला देना होता है, लेकिन अब क्या करें यार, नई मशीन चलेगी तो कैसे करेंगे, मेरे को भूख लगती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कभी बाटी खाई तो वो कहते नहीं खाई है यार। ये भी बाटी है गाइस, इनको घी के अंदर ऐसे ऐसे रगड़ लेते और उसके बाद भाई जो टेस्ट आता है बेटी का बाप घी जा रहे वो घड़ी आधा किलो भाई। लोगों आप क्या कर रहे हो, सुबह मिलते हैं यार, खाना खा लेते हैं। मस्त है। गाइस आज जो है खेतों को पानी पिलाएंगे, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कुआ। गाइस पहले यहाँ पे इंजन हुआ करता था और ये रहा कुआ। गाइस भाई बहुत गहरा है ये, इसमें कैमरा डाल दे क्या? हाँ। मजा आएगा भाई। गाइस आज पूरे खेत को पानी पिलाना वरना लाइट चली गई ना तो कुछ भी नहीं होगा। अबे निकलो निकलो भागो भागो जल्दी जल्दी। अरे बोर 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 आया 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 आया। ओए मारती भी रात दियो। हां हां नीचे और जुंग लियो। अरे चमना बोर बाद में खा लीजिए, मैं मोटर चालू कर रहा। राजा मोटर चालू कर दीजिए। यार फाइनली हमने जो है हमारे खेत को पूरे को पानी पिला दिया है, अब बस हमें इंतजार करना होगा कि फसल ग्रो हो। जैसे जैसे वो ग्रो होती जाएगी हमें इसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके अंदर हम किसी भी दवाई का, किसी भी केमिकल का, किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे फसल उगे चाहे ना उगे, चाहे उसमें कितनी बीमारियां लगे, चाहे कितने ही कीड़े मकोड़े उसके अंदर जाके उन्हें बीमार करें। फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो सब्जियां हैं वो उग के आती है, फिर किस तरीके का फल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे टाटी करते हैं ताकि कोई भी पशु इसके अंदर ना घुसे और बस
आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो एक पार्ट के अंदर तो नहीं बन सकती है क्योंकि 6 महीने की टाइमलाइन है, तो जैसे जैसे सब्जियां ग्रो होएगी, जैसे जैसे चीजें होएगी, उस तरीके से मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।